हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके रूल पढ़े थे, उसके आगे जो फोर टाइप्स हैं सिंपल प्रेजेंट की, जैसे उसका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस का मीनिंग, एज यू ऑल नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस मीन्स दैट इज गोइंग, जो चल रहा है वो कंटिन्यूस होता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रेजेंट टेंस की, जो सेकेंड टाइप है। फर्स्ट हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ ली एंड सेकेंड इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एंड डेवलपिंग नाउ। मतलब वो वाला एक्शन, उस एक्शन को इंडिकेट करता है ये टेंस, जो कि हम क्या कर रहे हैं, जो कि अभी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग, मतलब जो कि चल रहा है, एंड डिवेलपिंग, जो अभी डिवेलप हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि कोई भी काम जैसे मैं अभी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको सॉरी कोई भी आप जहाँ पे कोई भी एक्शन जो आपका परफॉर्म हो रहा है, जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसको उसमें हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस उसको कहते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ इज मीन्स आप अभी चल रहे हैं मार्केट, अभी जा रहे हैं, तो दैट इज द प्रेजेंट एक्शन। ओके, तो आपको इसमें एंड की साउंड कंटिन्यूस में क्या आती है? रहा है, रही ही, रही है, रही हूँ, जा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, इस तरह के जो रहा है, रहा ही की जो साउंड एंड में आती है, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंक्लूड करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको इसका रूल बताऊंगी कि किस तरह से आप इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? रूल होगा इसका सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप कि हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है सिंगुलर के साथ, लेकिन प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। आई एन जी मीन्स जो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, इस तरह से ही आपकी इस सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, कोई भी लिख लेते हैं ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे आप? This is your helping verb. हाँ, one is there. Here you have to add. Sorry. यहाँ पे आपको subject plus helping verb भी आपके यहाँ पे आते हैं. Helping verb plus verb की first form plus ing and plus object. ओके, यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए थे, इज एम आर आपके प्रेजेंट में यूज होती हैं, वॉज वर्ब आपके पास्ट में, और ये जो विल और शेल है ये आपके फ्यूचर में यूज होते हैं। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट कंटिन्यू में जो यूज होते हैं, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, और विल शेल बीइंग जो आगे लगता है, दैट बीन जो आगे लगता है, दैट इज यूज इन द फ्यूचर टेंस। ओके, अब ही इज आपने हेल्पिंग वर्ब कर लिया, अब इसके बाद क्या आएगा सेंटेंस फॉर्मेशन में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो देन आई एम राइटिंग हियर, ही इज ईटिंग अ बर्गर। वो क्या खा रहा है? एक बर्गर खा रहा है, ठीक है। ही इज ईटिंग, इट मीन्स ही इज ईटिंग नाउ एंड द प्रेजेंट टाइम, इट मीन्स वो प्रेजेंट टाइम में जब मैं बात कर रही हूँ, देन ही इज डूइंग दिस एक्शन, ठीक है, तभी वो ईटिंग कर रहा है जब मैं बात कर रही हूँ। तो ही इज ईटिंग अ बर्गर। तो दिस सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द रूल। ओके,
देन ही इज ईटिंग अ बर्गर. दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब आप दे से बना सकते हैं. अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे आपके? मैंने पहले ही बोला था इज, एम और आर. ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे आपके रहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ओके, ही इज ईटिंग. ही के साथ आपको पता है ही शी इट के साथ किसी नेम के साथ क्या आएगा? आपका इज आएगा. दे के साथ, दे इज द प्लूरल, तो आपका आर आएगा. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं गार्डन में. कुछ भी खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे, वॉलीबॉल खेल रहे होंगे, मे बी क्रिकेट खेल रहे होंगे, बैडमिंटन खेल रहे होंगे, जो भी उनकी चॉइस है वो खेल रहे होंगे. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. वो गार्डन में खेल रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि वो खेल रहे हैं. इट मीन्स वो अभी भी खेल रहे हैं जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं. देन डे के साथ मैंने आर लगा दिया, लेकिन ओनली आई. आई इज द फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर है. यहाँ पे सिर्फ आई ही एक ऐसा है जिसके साथ आपका एम आएगा, और किसी के भी साथ आपका, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका एम नहीं आएगा. ओके, आई एम डांसिंग. अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है. ओके, आई एम डांसिंग. मैं क्या कर रही हूँ? डांस कर रही हूँ. तो दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा. ही के साथ आपका इज आएगा, दे के साथ आपका आर आएगा, और आई के साथ आपका एम आएगा. आप दे की जगह यहाँ वी भी आ सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द प्लूरल सब्जेक्ट. एंड ही के साथ आपका शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम, बिकॉज दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन. एंड आई इज ऑल्सो द सिंगुलर वन, बट विद द आई, विद द सब्जेक्ट आई के साथ आपका क्या आएगा? ओनली द एम आएगा, बिकॉज एम के ही साथ आई जो है वही सब्जेक्ट मैच करेगा, और यही आता है एम के साथ, और एम किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा. ओके, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें हमने आपका पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है, किस तरह से आपका पॉजिटिव बन रहा है. इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही कि वो नहीं खा रहा है, जब नहीं जाएगा, जहाँ कुछ नहीं कर रहा है. हमने सब बातें जो है, दैट इज द पॉजिटिव. ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव कैसे आएगा. रूल शुड बी देयर, रूल यही रहेगा, बट ये जो आपका नेगेटिव है, यहाँ आप कहीं नॉट लगाएंगे. मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपका नेगेटिव बनेगा. जैसे मैंने ये रब कर रही हूँ, ओके. अब इसका हमने पॉजिटिव देख लिया कि ही इज ईटिंग अ बर्गर, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज वॉचिंग द टीवी. तो एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, दैट इंक्लूड अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब कंटिन्यूस टेंस, सॉरी. एंड अभी आगे हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, ठीक है. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिखा था आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है. मतलब हो सकता है मैं आज स्कूल ना जा रही हूँ, जब मैं अभी स्कूल नहीं जा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. आपसे कोई पूछ रहा होगा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रही हो? तो आप बोलते नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ. तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन नेगेटिव कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है. ओके, नॉट लगा दिया, तो दैट इज द नेगेटिव सेंस. एंड आप इसी तरह से आप ही की भी बना सकते हैं. ही इज नॉट ईटिंग अ बर्गर. वो बर्गर नहीं खा रहा है, ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग. वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है. दे आर नॉट स्टडिंग. कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यू के अंडर आएगा. तो दीज टाइप ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस. ये क्यों, कौन से सेंटेंसेस हो गए? नेगेटिव सेंटेंसेस. लेकिन नेगेटिव किसके अंडर आ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर. अब हम इसका इंटेरोगेटिव भी पढ़ेंगे, किस तरह से इंटेरोगेटिव. देखिए, जैसे ये है, मैंने ऐसे लिखा. अब आपका इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ आई विल टेल यू ओनली व्हाट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड देन आफ्टर द इंटरोगेटिव आई विल टेल यू व्हाट इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओके द फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं एम आई एम आई. आप इस तरह से डब्ल्यू एच वाली फैमिली से भी क्वेश्चन, डब्ल्यू एच की जो फैमिली होती है जैसे विच व्हाट हाउ ओ हु वाई, ये जो क्वेश्चन हैं इससे भी आप क्वेश्चन पुट करते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं दीज आर पुटिंग बाय हेल्पिंग वर्ब्स. ये किस तरह से पुट हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से. अब मैंने एम को बाहर रख दिया तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन. एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, जैसे इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, आप पूछते होंगे बहुत बार, जैसे आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा. इस तरह से ही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ओके अब आपको इंटरोगेटिव पता चल गया, नेगेटिव पता चल गया, पॉजिटिव पता चल गया. अब एक और रह गया जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उसमें क्या आएगा, उसमें आप सिर्फ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो बाहर आ जाएगा जब आपने अपना क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, लेकिन आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ लगा दोगे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे था क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ. जब आप नॉट पुट कर दोगे तो दिस इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव. जब इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है, पहले मैं पूछ रही थी इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, अब मैं बोल रही हूँ इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है, तो दिस इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो दिस इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अंडर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था हर एक तीन तरह के सेंटेंसेज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर वन. एंड हर एवरी अंडर द एवरी टेंस देयर आर फोर मेन सब टाइप्स ऑफ द टेंसेज, और हर एक सब टाइप के अंदर भी आपकी फोर टाइप्स बन जाती हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस. ओके ये जो आपका बन गया सिंपल प्रेजेंट का. अब आपको इसका रूल का पता चल गया कि किस तरीके से रूल बनाया जाता है, किस तरीके से आपका वर्ब कहाँ पे आएगा, पहले क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. अब आप इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, जैसे आपको कोई कुछ भी पूछ रहा हो, जब कुछ काम कह रहे हो, आप बोल सकते हो आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ. ओके आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ. जैसे He is going to market, वो market जा रहा है. Okay, every sentence जो आप अपनी daily life में use करते हैं आप बोल सकते हैं अपने home पे daily इस तरह से. इसके according subject, helping verb, verb और object के according proper arrangement करके sentences का, कि किस तरीके से कौन सी जगह कहाँ पे आएगी, कौन सा word सब्जेक्ट पहले आएगा जहाँ कहाँ पे आएगा, प्रॉपर आपको सेंटेंस की मेंटेनेंस करके, प्रॉपर सेंटेंस का फॉर्मेशन करके आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके तो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टेंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके देन आई विल रिप्लाई यू. ओके थैंक यू गाइज. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.